एंड वो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में खड़े ठीक है सो दिस इज गोइंग बी द सेकंड द थर्ड एलडेस्ट एंड दिस इज गोइंग यंगेस्ट ओके चलो सो इनको कहीं पे थाउजेंड गोल्ड कॉइन्स मिल जाते हैं ठीक है सो so, इनको थाउजेंड गोल्ड क्वाइंस मिलते हैं जो ये आपस में स्प्लिट करना चाहते हैं सो रेदर देन स्प्लिटिंग टू हंड्रेड इच देइेड टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग ओके सो देाइडेड टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसीजर सो वे गोइंग टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल दंगेस्ट वन इज गोइंग टू मेक अ प्रपोजल ठीक है वो एक प्रपोज़ल देगा कि ये काम करते हैं लेट से थ्री हंड्रेड मैं रख लेता हूँ टू हंड्रेड इसको दे देते हैं हंड्रेड इसको दे देते हैं एंड सो ऑन वो थाउजेंड क्वाइंस को अपने प्रपोजल के हिसाब से बांटने के लिए बोलेगा ठीक है नाउ देर इज गोइंग टू बी अ वोटिंग अमंग ऑल ऑफ दैम ठीक है अब वो पांचों लोग आपस में वोटिंग करेंगे अगर यंगेस्ट को मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द वोट्स मिल गए उट ऑफ फाइव अगर एटलीस्ट थ्री वोट उसको मिल गए तो इसका प्रपोजल मान लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रपोजल स्प्लिटिंग हो जाएगी ठीक है बट अगर उसको तीन से कम वोट्स मिलते हैं इन दैट केस यंगेस्ट इज गोइंग टू बी किल्ड एंड नेक्स्ट दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक अ प्रपोजल ठीक है इसको मार दिया जाएगा एंड अब ये प्रपोजल रखेगा एंड अगेन फिर इन चार लोगों में वोटिंग होगी ठीक है अगेन उसको मोर देन फिफ्टी परसेंट वोट चाहिए ठीक है अब चार लोग हैं चार में से मोर देन फिफ्टी परसेंट मतलब एटलीस्ट थ्री वोट्स ठीक है टू वोट से काम नहीं चलेगा मिनिमम थ्री वोट्स उसको चाहिए अगर थ्री वोट्स नहीं मिलती तो इसको भी मार दिया जाएगा फिर ये प्रपोजल रखेगा एंड सो ऑन ये हमारी कहानी चलती जाएगी ठीक है नाउ इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं द फर्स्ट थिंग इज दैट द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर ईच पायरट इज कि सबसे पहले वो चाहता है कि वो जिंदा रहे ठीक है वो अपनी जान बचाना चाहता है एंड सेकेंड इज कि वो चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स मैक्सिमाइज हिज कॉइंस काउंट एंड द थर्ड इज दे आर ऑल्सो वेरी ब्लड थर्स मतलब दे वॉन्ट टू किल एज मेनी अदर पायरट्स एज पॉसिबल ठीक है जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं सो लेट इफ वी टेक दिस पायरेट अगर हम इसको दो ऑप्शन दें इन द फर्स्ट ऑप्शन ही गेट्स हंड्रेड कॉइंस इन द सेकेंड ऑप्शन ही गेट हंड्रेड कॉइंस बट ऑल्सो समन इज किल्ड इन दैट प्रोसेस ही वुड ऑब्वियसली प्रेफर दिस वन ठीक है कि दोनों केसेस में मिल तो हंड्रेड क्वाइंस ही रहे हैं और एक में दूसरा मर भी रहा है सो दिस इज वॉट ही बट अगर हम इसमें इसको 101 कर देते इन दैट केस ही विल ऑलवेज प्रेफर दिस ठीक है बिकॉज प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम कॉइन्स इज मोर ठीक है सो आई होप दिस कंडीशन आर क्लियर नाउ वॉट वी हैव टू फाइंड आउट इज कि यंगेस्ट ऐसा क्या प्रपोजल रखे कि उसका प्रपोजल माना भी जाए दैट इज उसको एटलीस्ट थ्री वोट्स भी मिल जाए

जस्ट ट्राई टू थिंक अब यंगेस्ट कुछ भी बोले ठीक है अब यंगेस्ट कुछ भी बोले ये जो एल्डेस्ट है अगर ये मना कर देता है तो यंगेस्ट कैन गेट मोर देन ऑफ द वोट्स ठीक है तो कभी भी मोर देन परसेंट वोट्स तो नहीं मिलेंगे मुझे एक भी क्वें ना दे इवन इन दैट केस एल्डेस्ट विल से नो टू हिस्स प्रपोजल वाई बिकॉज ही इज ऑल्सो ब्लड थर्स वॉट हीज

इसको ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि अगर मेरा प्रपोज़ल इसने मना कर दिया तो डेफिनेटली मुझे मार दिया जाएगा अब इसको कुछ प्रपोजल रखना पड़ेगा एंड ही ऑलरेडी नोज कि उसके प्रपोजल के हिसाब से इसकी तो जान जाएगी जाएगी ठीक है ही विल ऑलवेज बी किल्ड अगर दो लोग रह जाते हैं तो वट एवर दिस पर्सन सेज़ वट एवर दिस पर्सन सेज ही ऑलवेज हैव टू अग्री बिकॉज वो अपनी जान बचाना चाहेगा सो so, अगर ये बोल देता है कि यार थाउजेंड के थाउजेंड क्वेंस मैं रखूंगा जीरो कॉइंस में इसको दूंगा जीरो कॉइंस में इसको दूंगा सो होगा क्या इन दैट केस ऑब्वियसली ये खुद को तो वोट देगा ही देगा ठीक है कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छा प्रपोजल रखा है ये भी हमेशा वोट देगा बिकॉज ऑब्वियसली उसको अपनी जान प्यारी है ये कभी भी वोट नहीं देगा बिकॉज उसको पता है कि अगर इसका प्रपोजल हम ना माने तो डेफिनेटली फिर मेरे पास थाउजेंड के थाउजेंड कॉइंस आ जाएंगे तो ये वोट उसको नहीं देगा बट इसकी वोट मैटर भी नहीं करती बिकॉज ऑलरेडी उसके पास दो वोट्स आ चुकी हैं एक खुद की वोट और एक इसकी वोट ठीक 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 है, है, so, है, अगर हमारे पास तीन होते हैं। चलो अब पे चलते हैं कि अगर फोर पायलट होते तो इसको कुछ प्रपोजल रखना है he knows कि ये वाला बंदा तो कभी भी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज ही अगर मैं मर गया

सो so ऑब्वियसली ये भी मान गया ये भी मान जाएगा बिकॉज उसको भी जीरो मिलते अगर वो मर जाता है ये नहीं मानेगा बिकॉज उसको थाउजेंड मिलने वाले अगर वो मरता है तो एंड ये खुद मान जाएगा सो so, चार में से तीन वोट्स इसको मिल जाएंगे ठीक है नाउ फाइनली वी विल रीच वेन वी हैव फाइव पायलट्स ठीक है नाउ इन दिस केस ही विल गिव अ प्रपोजल ही नोज कि ये बंदा तो कभी भी इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा बिकॉज अगर इसको प्रपोजल देने का मौका मिला तो उसको 998 नाइनटी एट कॉइंस मिल सकते हैं सो डेफिनेटली ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल ठीक है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसको जीरो कॉइंस दे देते हैं ठीक है इसने तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करना तो इसको जीरो कॉइंस दे देते हैं इसको हम लोग वन कॉइन दे देते हैं ठीक है बिकॉज वी नो कि उसको जीरो कॉइंस मिलेंगे अगर सेकेंड लास्ट वाला प्रपोजल देगा तो अगर उसको अभी हम लोग एक कॉइन दे देते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए वोट कर देगा बिकॉज उसको पता है कि अगर हमने इसको मार दिया तो मुझे ज़ीरो कोइंस मिलेंगे तो वो एक कॉइन में भी खुश है ठीक है एक उसको खुद की वोट मिल जाएगी एक इसकी वोट मिल जाएगी एंड उसको एक वोट और चाहिए अब इन दोनों में से किसी एक की वोट भी मिल जाए तो काम चल जाएगा अब किसी एक की वोट कैसे मिलेगी उसको जितने काइंस पहले मिल रहे थे उससे ज़्यादा देने पड़ेंगे तो क्या करेंगे इन दोनों में से किसी एक को दो कॉइंस दे देंगे लेट से इसको देते हैं और दूसरे को जीरो दे देते हैं ठीक है ऐसा भी कर सकते थे कि इसको दो दे दो इसको जीरो दे दो एक ही बात है बिकॉज हमको तो कोई भी एक वोट चाहिए तो हम लोग किसी एक को दो दे देंगे और किसी एक को जीरो दे देंगे अब बचे कितने अब बचे नाइन नाइन्टी सेवन कॉइंस तो नाइन नाइन्टी सेवन कॉइंस वो खुद रख सकता है ठीक है इन दैट केस खुद की वोट मिल जाएगी इसकी वोट मिल जाएगी या इसकी वोट मिल जाएगी ठीक है ये लोग वोट नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इनको कम मिल रहे हैं ठीक है सो आई होप दोल्यूशन इज क्लियर सो दर इज नाइन नाइन सेवन रख सकता है ठीक है सो दिस इज द फाइनल प्रपोजल की नाइन नाइन सेवन खुद रखे जीरो इसको वन दे दे, क्वाइन इसको दे दे इन दोनों में से किसी एक को दो दे दे और किसी एक को जीरोज द प्रपोजल दैट दंगेस्ट पर्सन शुड कीप सो दैट ही गैट मैक्सिम क्वाइंस एंड प्रपोजल इज ऑल्सो एक्सेप्टेड ओके सो आई होप दिस पजल इज क्लियर So I'll see you in the next video. Thank you.